तो ये पब्लिक ओजन नेता नहीं खा चुन ले तो रोड ना टूटी तो हो ही काटी रोड ना टूटी मुंह टूटी दांतों टूटी गोरो टूटी यही समस्या समझिए आने जाने में भी होता होगा समस्या। अरे भैया रुक जाइए एक महीना से ऐसा ही आप लोग का बहुत समस्या है भैया आपको बोलने में भी समस्या हो रहा है बताइए तो पान खाए हैं तो बोलने में देते हैं पांचवा समय वोट देते हैं। अरे नहीं वैसा सब मतदाता नहीं है वैसा मतदाता सब नहीं देते हैं तबे तो दुर्दशा है पैसा कैसे रिकवर होगा घाटा करेगा तबे ना पैसा जाएंगे शायद अपने बीबी को लिए होंगे मुंह फूट जाएगा इलाज कौन कर रुपए में वोट दे दीजिएगा। देखिए पहले डिमांड बना देंगे तो उस हिसाब से यहाँ के नेताजी लोग बजट तैयार कर लेंगे कि हमको इतना पैसा लगेगा जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसी को दिया जाएगा। वही पूछ रहे हैं कि अच्छा उम्मीदवार से कितना में काम फरिया जाएगा सेटल हो जाएगा वो तो हम नहीं बताएंगे जब नहीं बताएंगे भविष्य का काम है हो सकता है थोड़ा सा बढ़ सकता है। नमस्कार मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा और आप देख रहे हैं DDC न्यूज और अभी हम लोग मौजूद है पश्चिमी चंपारण के सिकटा में और मैं जहां मौजूद हूं ये इंद्र चौक है और ये इंद्र चौक जो है एकदम पूरा तरीके से नाला टूट गया है जबकि इस रास्ते से यहां के विधायक मुखिया BDO CEO सारे लोग हमेशा आते जाते होंगे और शायद से 26 जनवरी के दिन भी आए ही होंगे तो क्या उन्हें ये चीज दिखाई नहीं दिया और देख लीजिए पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से बढ़िया क्वालिटी के साथ नाला और PCC का काम होता है कि पूरी तरीके से समय से पहले टूट जाता है और यहाँ पे कुछ लोग आए इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि ये समस्या कब से है चाचा 4 महीना हो गया 4 महीने से कोई नहीं सुन रहा कोई नहीं सुन रहा गाड़ी वाले कहने जाने में दिक्कत होता है कि एकदम होता है जाम लग जाता है और शायद बुलेट वाला भैया बढ़िया से बताएंगे मुंह में पानी लिया अच्छा कितना समस्या होता है आने जाने में बहुत समस्या है भैया आपको बोलने में भी समस्या हो रहा है बताइए तो पान खाए हैं तो बोलने में वही समस्या समझिए आने जाने में भी होता होगा समस्या तो ये समस्या दूर क्यों नहीं होता है कैसे कैसे लोग को आप लोग चुनते हैं अब चुनने वाला भैया तो अब मानते हैं हम लोग तो आपको चुनेंगे तो अच्छा ही समझ के चुनेंगे अच्छा समझ के चुने ये देखिए एक मिनट हम खड़ा का हुआ कि भैया लोग अनाधुन पिक मार रहे हैं आप दिन भर में नहीं पछताएंगे एक मिनट में बेचैनी छूट रहा है अनाधुन सिटी मार रहे हैं लेकिन कुछ पूछेंगे तो नहीं बताएंगे रुक जाइए भैया। अरे भैया रुक जाइए एक महीना से तो ऐसा ही आप लोग करते हैं समस्या होता है आने जाने तो समस्या नहीं है बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए गाड़ी दिखा दीजिए कैसे टपरा ये है बिहार का दशा आइए इस भैया के वाले के बाद लग रहा भैया नेपाल उपाल से आ रहे नेपाल से है रोडवा कैसा है बिहार अरे वैसा है हटिए बिहार वैसा है खिसिया के बोल रहे हैं कैसे नेपाल के है भाई दुर्दशा है बिहार का दुर्भाग्य है तो पे ना पीक मार रहे हैं अच्छा अब आइए यहाँ के लोग से भी बात करते हैं ये देखिए आई देखिए आई देखिए चाचा के पास हो गया क्या नाम होगा चाचा जी पूछे के का चाहता नहीं पूछे के हम ये चाहता नहीं कि नाला सही बा टूट गई बा जाए में दिक्कत होता कि ना पटना में सारा मंत्री भरल बा लोग आ ओइजा के रोड में चले हम लौ से ना चलम तो मुंह हाथ टूट जाए एक मिनट पटना में चल गई हमने के बानी सुन के हाँ बताई सिकटा में तो सिकटा में काम ना होके चाहिए होके के चाहिए अगर पटना में चलम तो रहुआ के दिल्ली में चल के देखे तो रहुआ दिल्ली में जाम तो कहा मुंबई में चल के देखी वो तरह नेता चुनम तब नु काम हो तो नेता के चुने ला पब्लिक अच्छा रहुआ कहा है पब्लिक तो रहुए नु चुने नी हाँ तो ये पब्लिक ओजन नेता नहीं खा चुन ले तो रोड ना टूटी तो हो ही काटी रोड ना टूटी मुंह टूटी दांतों टूटी गोरो टूटी तो भाई सारा लोग के जितना लोग मेला लगाइले बस सारा लोग के टूटी ओइसन सीनियर नेता चुनी पब्लिक तब नु काम होई ये भाई काम वाला बात थोड़ा सा ही भैया के पास आ जाइए अब भैया जी आप तो टपा दीजिएगा भैया टपा ही देंगे आए राइडर है का ना भैया गिर जाइएगा तब का होगा नहीं ना गिरेंगे भैया पैसा वैसा नहीं मिलेगा इलाज कराने का क्या सरकारी पैसा तो क्या किया जाएगा गिरेंगे मेरा भी मुंह फूट जाएगा तो वही हाल है सबका ये बिहार का दशा है और ये दशा बिहार के शायद नेता जी लोग की है अगर नेता लोग सुधर जाए हाँ यहाँ तक न BDO साहब अगर बोला का सुधर जाए ना अरे प्रखंड विकास पदाधिकारी वो लोग खुद नहीं समझते हैं वो तनाशाही से बात करते विकास का घंटा करेंगे नहीं करेंगे अच्छा ये सारा लोग मेला लगा दिया है यहाँ तक ना इधर आइए कमाल का चीज और दिखा दीजिए इधर आई देख लीजिए रोड कितना डाउन है या नाला कितना है अब बताइए जब तक नाला का पानी इतना ऊपर नहीं आएगा तब तक पानी इधर नहीं जाएगा यो जाम है ससुरा अब बताइए पानी कैसे जाएगा नलवा ऊपर है तो नलवा जब भरेगा तब तो पानी नाला में जाएगा ये देखिए समस्या ही समस्या है इधर आ जाइए
चाचा आइए आप थोड़ा सा। चाचा जी आपका दुकान यहीं पे है। अब बताइए समस्या कितना दिन से हो रहा है, समस्या दूर क्यों नहीं हो रहा है? 3 माह से समस्या है। बीडीओ साहब, बड़ा बाबू परमा, उनका शर्मा मीरा 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 शर्मा शर्मा मीरा शर्मा बीडीओ जी आई और गई, कुछ नहीं हुआ आज तक। हम लोग कई बार रास्ता ही बताया भाई कि इसी तरह बनवाइए आप लोग, कोई समस्या का समाधान। 26 जनवरी का सबको आया था, डिप्टी डीओ आया था, आप बोले ना कि शायद मैंने आए होंगे, शायद नहीं आए होंगे, डिप्टी डीओ आया था। सारे लोग पूछे तो बता रहे हैं उन लोग को नहीं दिखाई दिया, हम दिखाई दिया। 26 तारीख लोग आए थे, बोले कौन लोग हम इसको ऐसी एस्टिमेट बनवा रहे हैं। सिक्टा मार्केट का ये मुख्य रास्ता है, यहाँ से प्रखंड कार्यालय जाने का यही रास्ता है, थाना जाने का यही रास्ता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने का यही रास्ता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, परेशानी है, यही रास्ता है मुख्य आने जाने का। लेकिन सब एम्बुलेंस भी इसी रास्ते समस्या ये बड़ा देख रहा है, तो भोटवा देने के समय आप लोग कहा नहीं सोचते हैं? अब भोटवा देने के लिए तो ये सोच के देते हैं, 500 में वोट देते हैं। अरे नहीं, वैसा सब मतदाता नहीं है, वैसा मतदाता सब नहीं देते हैं, तबे तो दुर्दशा है। पैसा कैसे रिकवर होगा, घाटा करेगा तबे ना पैसा, फिर अगला चुनाव में बांटेंगे। जी जी, लेकिन वैसा सब मतदाता नहीं है। देखिए आज गिर जाएंगे, शायद अपने बीवी को लिए होंगे, मुंह फूट जाएगा, इलाज कौन कराएगा? है कोई नहीं कराएगा। हाँ, लेकिन सिकटा प्रखंड के बीडीओ मीरा शर्मा, मेरा अगर बात सुन रही है तो ध्यान में रखिएगा, मैं आपके प्रखंड में जरूर एक दिन आऊंगा आपके चैम्बर में और घुस के आपसे सवाल पूछूंगा कि आखिर ये काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं ऐसा ही सारे ब्लॉक में जाता हूं, अगर आपको यकीन नहीं होगा तो मेरे चैनल पे आप भी जाकर देखिएगा कितने वीडियो साहब के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है प्रखंड का, और काम भी हुआ है, शायद आप भी काम करेंगे मेरे जाने के बाद। अन्यथा उससे पहले इसका काम आप करवा दीजिए, यही आप लोग का भला है। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग कमाएंगे खाएंगे, वोट देने का समय आएगा, 5 साल भी एक बार ठप्पा लगा देंगे, काम खत्म हो गया, मुखिया जी आएंगे, विधायक जी आएंगे, जुमलाबाजी कर देंगे, सारा काम करवा देंगे, बड़का बड़का फ्लैट बनवा देंगे, अब पीछे से पंचायत थमा देंगे, वोट बदल जाएगा तो कहाँ से विकास होगा? तो भाई अच्छा भैया, उम्मीद करते हैं कि आप वोट आगे साल जरूर देंगे, 18+ हो जाइएगा गारंटी के साथ, कोई रुपए में वोट दे दीजिएगा। देखिए पहले डिमांड बना देंगे तो उस हिसाब से यहाँ के नेताजी लोग बजट तैयार कर लेंगे कि हमको इतना पैसा लगेगा इस साल। बजट का बात थोड़े है, जो अच्छा उम्मीदवार होगा उसी को दिया जाएगा। वही पूछ रहे हैं कि अच्छा उम्मीदवार से कितना में काम फरिया जाएगा, सेटल हो जाएगा? वो तो हम नहीं बताएंगे, जब नहीं बताएंगे भविष्य का काम है, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ सकता है, इसलिए पहले नहीं बताएंगे। बाकी सिकटा के इंद्र चौक से मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।